फ्रेंड्स, लतुआ रे फैशन डिजाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक रिवर्सेबल जैकेट बनाना। तो चलिए स्टार्ट के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है और फैब्रिक मेरा, इसको बनाने के लिए आपको फैब्रिक चाहिए लगभग 1 मीटर और बिड़ता आप इसकी देख सकते हो। मैंने इसको देखिए ये 2 लेयर में बिछा के रखा है, उसके बाद मैंने एक और फोल्ड कर लिया है तो 4 लेयर में मेरा ये कपड़ा हो गया है। ठीक है, अब इसकी लंबाई बता दूँ, लंबाई मैंने कितनी ली हुई है तो लंबाई है मेरी ये 19 इंच। ठीक है, 19 इंच मेरी लंबाई है और चौड़ाई जितनी भी आपकी है उतनी आप रख सकते हो। उसके बाद एक और फोल्ड करना है क्योंकि हम रिवर्सेबल बना रहे हैं, तो आपके जो कपड़े की लेयर है वो 8 होनी चाहिए। ठीक है, अब इस तरह से हम इसको और फोल्ड कर लेंगे तो मेरे पास यहाँ पे ये 8 लेयर हो गई है कपड़ों की। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फैब्रिक मैं आपको दोनों तरफ से दिखाऊं तो इस तरफ से देखिए ऐसा है ये, और दूसरी तरफ से आप देखोगे तो ऐसा है ये। ठीक है, तो इसीलिए फिर हम इसको रिवर्सेबल यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों तरफ से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेशल जैकेट के लिए ही फैब्रिक होता है। मैंने साइड अपनी तरफ को रखी है और जो मेरी खुली साइड है वो इस तरफ को रख दी है। ध्यान रहे अगर आपने इस तरह से नहीं करना है, अगर आप चाहे तो कोई और कपड़ा भी लगा सकते हो, जैसे मैं यही फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, बट आप चाहे तो एक और तरह का, जैसे दूसरी तरफ से और तरह का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर आप और तरह का यूज़ करना चाहते हो तो फिर आप 4 लेयर में ही 4 लेयर इसकी ले लीजिएगा और 4 लेयर दूसरे फैब्रिक की ले लीजिएगा। तो चलिए लेंथ आपको मतलब अगर आपको जैकेट जैसे बनानी है तो लेंथ आपको उससे 18 इंच से कम मत रखिएगा, अदरवाइज़ फिर आपकी जैकेट जो है छोटी लगेगी। ठीक है, या आप अपने अनुसार रख सकते हो अगर आप बड़ी लेडीज़ के लिए बना रहे हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं इसको सीधा कर लूँगी, जो भी मेरा फैब्रिक आगे पीछे है वो पूरा ताकि सीधा हो जाए। अब यहाँ से सबसे पहले मैं लूँगी तीरा एक्रोस शोल्डर। ठीक है, एक्रोस शोल्डर कितना लेना है, एक्रोस शोल्डर लूँगी मैं यहाँ पे 7 इंच, 7 इंच मैं ले लूँगी तीरा। और उसके बाद लेना है जितना भी आप शर्ट में लेते हो उसे आपको एक्स्ट्रा ही लेना है। ठीक है, जैसे 6.5 अगर लेते हो तो 7 इंच मैंने तीरा यहाँ पे रख लिया। उसके बाद लूंगी मैं आर्म होल, तो आर्म होल मैं लूंगी यहाँ पे 8.5 इंच। ठीक है, अगर 8 इंच लेते होंगे तो 8.5 इंच रखिएगा इस पे। उसके बाद फिर से यहाँ से 7 इंच मार्क करना है एक्रोस शोल्डर का, और ऊपर से 8.5 इंच आर्म होल का निशान लगा लेना है। ये देखिए, अब यहाँ से हम लाइन भी लगा लेंगे। मैंने लाइन यहाँ पे लगा ली है, अब इसको भी बॉक्स की शेप में मिला लेंगे। इस लाइन को आगे तक निकाल देंगे। अब यहां से हमने लेना है अपनी राउंड बस्ट। ठीक है, तो राउंड बस्ट ऐसे मान लीजिए मैं 9 इंच रखती हूँ अपनी राउंड बस्ट, तो इसमें हमने एक्स्ट्रा रखनी है क्योंकि ये खुली आएगी, तो इसमें 9.5 इंच में यहाँ पे रखूंगी, 9.5 या 10.5 इंच में यहाँ पे रखूंगी इसको। और यहां से हम ले लेंगे 10 इंच, 10 इंच हम यहां से रख लेंगे नीचे से, और इसको सीधा मिला लेंगे नीचे। इस तरह से हमने इसको सीधा मिला लेना है। यार मोल की शेप दे दी। अब ऊपर से हम जाएंगे 1 इंच डाउन। ठीक है, और यहां से हमने लेना है नेक की बिड्थ, तो नेक हम लेंगे यहाँ पे इस पे 3.5 इंच, और इसको इधर मिला लेंगे। अब यहाँ से हमने बैक का जो नेक लेना है, तो बैक का नेक मैं लूँगी यहाँ पे 1 इंच, 1 इंच लेके इसको राउंड की शेप में मिला लेना है इस तरह से। और अब फ्रंट की शेप भी हमने देनी है,
तो इसका सेंटर निकाल के इस तरह से फ्रंट की शेप भी दे देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने फ्रंट के नेक की शेप भी इसमें दे देनी है, बाद में कट हम बाद में करेंगे इसको। तो फ्रंट के नेक की शेप देने के लिए हमने क्या करना है, कितना हमने नेक रखना है, तो नेक आप यहाँ से रख लीजिए 3.5 इंच। मैंने यहाँ पे नेक रख लिया है, जो फ्रंट नेक है मेरा। ठीक है, और यहाँ से इसको भी ऐसे मिला लीजिए, मैंने यहाँ पे मिला लिया है। और अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, अब नीचे आ जाइए। तो नीचे यहाँ से मुझे इस तरफ 1 इंच पे एक मार्क करना है और इसको यहाँ पे मिला लेना है, इसको तिरछा नेक के साथ हम यहाँ पे मिला लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से ये बात। यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ से भी हमने 1 इंच कम करना है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 इंच कम करेंगे, क्योंकि ये हमारी कमर तक आएगी, तो कमर की शेप थोड़ी सी होनी चाहिए। और इसको यहाँ पे हमने मिला लेना है एज इट इज ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको मिला लिया। अब हम इसको कट कर लेंगे, बाहर से हल्का मार्जिन रखते हुए हमने इसको कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 पीस है मेरे पास, 2 हमने रख देने हैं, ये बैक के हमारे कट हो गए हैं, इनको हमने रख देना है साइड में। और अब चलिए जिसपे हमने ड्राफ्टिंग की थी फ्रंट की साइड को, वो हम रखेंगे। तो इनको हमने इस तरह से रखना है, देखिए इस तरीके से रखेंगे, बिल्कुल इक्वल आपका होना चाहिए ये। तो अब सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे यहाँ से नेक लाइन तक। ठीक है, और अब हम नेक को भी कट कर लेंगे। अब हमने यहां से कट लगाना है इसमें। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास यहाँ पे हमने कट कर लिया है, कटिंग हमारी जैकेट की हो गई है। अब करेंगे हम इसकी स्टिचिंग और बनाएंगे इसको रिवर्सेबल जैकेट। तो चलिए अभी स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए कपड़े को इस तरह से रखा है, तो जो फ्रंट का एक पार्ट है उसको हम अलग कर देंगे, ठीक है, और एक पार्ट हम इधर रखेंगे। सबसे पहले हम इस पे जो शोल्डर है, तीरा है, उसको जोड़ लेंगे फ्रंट और बैक के पार्ट में। ठीक है, इस तरह से हम तीरे को जोड़ लेंगे। तो एक पार्ट का पहले जोड़ लीजिए इस तरह से तीरा, फिर दूसरी तरफ दूसरे पार्ट का भी आपने तीरा इस तरह से जोड़ना है। और जोड़िएगा इस तरह से, क्योंकि जो पार्ट आपको सीधी तरफ को रखना है वही पार्ट आपने जोड़ना है। तो इस तरह से देखिए, अब दूसरा पार्ट को भी मैं सेम तरीके से जोड़ लूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, अब मैंने अलग अलग डिजाइन रखा है दोनों तरफ को, और अब राइट साइड रहेगी हमारी अंदर की तरफ को, रॉन्ग साइड रहेगी हमारी बाहर की तरफ को। तो सबसे पहले आपने जो फिटिंग वाली लाइन है ना, फिटिंग वाली जहां से आपको फिटिंग देनी है, वहां पे आपने मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, और वहां से इधर तक आपने इसको स्टिच करना है। याद रखिए, सिर्फ फिटिंग वाली लाइन तक ही आपको इसको स्टिच करना है, और बाकी जो फिटिंग जहां से फिटिंग देनी है वहां पे आपने इसको थोड़ा सा खुला रहने देना है। तो 1 इंच मैंने रखा था मार्जिन, तो वो मैंने खुला रहने दिया है। बाकी यहां से मैं इसको स्टिच कर लूंगी, जो आर्म होल है हमारे, दोनों तरफ से हमने इसको स्टिच कर लेना है।
ठीक है। तो दोनों पार्ट हमने इस तरह से स्टिच करने हैं। दूसरी तरफ भी आपने आर्म होल से इसको स्टिच कर लेना है। रॉन्ग साइड हमारी बाहर की तरफ को रहेगी, राइट साइड हमारी अंदर की तरफ को रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है। अब हम इसको पूरा स्टिच करेंगे, यहाँ से नेक से होते हुए इसको पूरा स्टिच कर लेंगे। तो ये सिलाई भी हम यहाँ से लगाएंगे, देखिए नेक से हम सिलाई लगाएंगे इसको और नीचे तक इस सिलाई को लगा लेंगे। फिर दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से इसको स्टिच कर लेना है। तो पूरा इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। सिर्फ हमारी जो फिटिंग वाला एरिया है साइड से जहां से हमने फिटिंग देनी है वो वाला खुला रहेगा, बाकी हमने पूरा इसको स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से पूरा इसको देखिए स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा मैंने स्टिच कर लिया है। अब जो बैक का पार्ट, बॉटम वाला जो पार्ट मेरा खुला था उसको भी मैं स्टिच कर लूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको भी स्टिच कर लिया है और आप छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे ताकि हमें पलटने में आसानी हो। तो जहां से हमारी फिटिंग वाली जो खुला था वहां से हम इसको पलट लेंगे बाहर की तरफ को। दोनों साइड से आपने इसको बाहर की तरफ को निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको बाहर की तरफ को निकाल लिया है, ये हमारी स्टिच हो गई है। अब रही हमारी फिटिंग वाली सिलाई देने को, तो उसको भी दे लेते हैं। उसको भी हम इस तरीके से देंगे ताकि हम इसको रिवर्सेबल पहन सकें, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ये मेरी अलग अलग डिजाइन है जो अंदर की तरफ को आया है। तो अब कपड़े को हमने देखिए इस तरह से पकड़ना है, ये हमने कपड़े को रखा रॉन्ग साइड हमारी अंदर की तरफ को, ठीक है। तो अब इसको इस तरह से पकड़ेंगे, पहले बाहर की तरफ को सिलाई लगा लेंगे फिर अंदर के फैब्रिक को पकड़ते हुए इसको सिलाई लगाएंगे। तो ये रिवर्सिबल मैंने आपको पहले भी बनाना बताई है, जो जिसमें मैंने बेबी की जैकेट आपको बनाना बताई थी, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। और अगर वुमेन के लिए बनाना चाहते हो, बड़ी लेडी के लिए बनाना चाहते हो, तो फिर आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। इसको स्टिचिंग से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आ रही है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक तरफ से स्टिच हो गई है, अब दूसरी तरफ से भी हमने सेम तरीके से स्टिच करनी है, ठीक है। इसको इस तरह से पकड़िए, इस तरह से पकड़ेंगे और इसको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई इस तरह से लगानी है कि ताकि हमारा जो मार्जिन है वो अंदर की तरफ को चला जाए। तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे, देखिए यहाँ पे मेरी थोड़ी सी सिलाई लग गई है, तो उसको मैं कट कर लूंगी और यहाँ पे हमने सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मेरी लग चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिलाइयाँ मेरी पूरी लग चुकी है। अब हमने इसके ऊपर लास्ट काम बच गया है, वो है हमारा टॉप स्टिच। तो पूरे जहां भी आपको दिख रहा है वहां पे हमने पूरा इस पे टॉप स्टिच लगा लेना है। टॉप स्टिच लगाने से फिनिशिंग अच्छी आती है और जैकेट का लुक भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे पूरे आपने टॉप स्टिच लगा लेना है। मैंने देखिए टॉप स्टिच लगा करके इसको प्रिपेयर कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए आप इसको दोनों तरफ से पहन सकते हो। ये एक साइड को देखिए अलग डिजाइन है और दूसरी तरफ को अलग डिजाइन है। ये देखिए तो रिवर्सेबल यहाँ पे बन चुकी है। कहीं से भी कोई भी सिलाई आपको बाहर नहीं दिखेगी, कोई भी मार्जिन आपको बाहर की तरफ को नहीं दिखेगा, ये आप देख सकते हो। चलिए मैं दूसरी तरफ से भी आप इसको पलट के बता देती हूँ और बाकी मैं आगे आपको वेयर करके भी इसको बताऊंगी। तो आप देख सकते हो, वैसे आपने वीडियो के शुरू में भी देख लिया है, इसको वेयर करके मैंने दिखाया था। तो ये देखिए दूसरी तरफ से इसका लुक है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज एक कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। सो एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।